राइट्स ऑफ श्योरिटी का लास्ट टॉपिक को श्योरिटी। को श्योरिटी क्या होता है? जब किसी भी चीज में एक से ज्यादा श्योरिटी हो, सपोज गारंटी जो ले रहा है अपनी, उसमें 1% गारंटी नहीं लेके एक से दो लोग गारंटी ले रहे हैं। आ रहे समझ में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? श्योरिटी में जब एक से ज्यादा लोग उसकी गारंटी लेने पे आ रहे हैं, तो अगर कोई भी एक बैकआउट कर देता है, अगर कोई भी एक बैकआउट कर देता है उस श्योरिटी में से, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जो दूसरे की जो गारंटी होती है वो भी लैप्स हो जाती है। क्योंकि जब किसी एक चीज में दो लोग गारंटर बन रहे हैं और लास्ट में जब वो एक बच जा रहे हैं, तो उसकी कैसे होगी लायबिलिटी? इसलिए राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटी में क्या होता है, जब डेटर को एक या दो से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो दोनों का इक्वल लायबिलिटी है। तो अगर एक भी उससे बैकआउट कर जाएगा तो दूसरे का भी टर्म ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन था ये। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ, इसी में लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स। मतलब उनका पहले वाले पॉइंट पे हम ये एज्यूम कर रहे थे कि इक्वल था, सेकेंड वाले पॉइंट में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उनका जो लायबिलिटी था, मतलब उन्होंने जो गारंटी ली उसका शेयर कितना था, अलग अलग था। तब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा? ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो लायबिलिटी होती है को श्योरिटी की, वो लोग एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो डिसाइड करते हैं कि इतना तो हम पे करेंगे, उसके बाद वाला हम इतने शॉप पे, मतलब मिनिमम अमाउंट जो गारंटी का होगा। सपोज इन लोगों ने 50,000 का श्योरिटी लिए किसी का, तब इनका आपस में डिसाइड हुआ है कि एक कितना देगा, 20 देगा, एक देगा 15 और एक और देगा 15, ये हो गया 50। लेकिन इनका जो मिनिमम अमाउंट लोगों ने डिसाइड किया होगा, सपोज वो 10,000 है, तो कम से कम 10,000 तो मिनिमम पे करना ही है। तो ये तीनों को इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, वो लॉ के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट देखो इसमें, राइट टू शेयर बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटीज। राइट टू शेयर बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटीज। ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, सिक्योरिटीज वाला मैंने बताया था, अगर श्योरिटी डेटर का लाइबिलिटी पे करता है तो क्रेडिटर के पास जो भी होगा गैर सिक्योरिटी के, तो वो अब किसको मिल जाएगा, गारंटर को मिल जाएगा। याद आया ऐसा एक पॉइंट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि अगर श्योरिटी जिसने सी, सपोज एग्जाम्पल, अगर सी ने सपोज गारंटी ली है और सी पे भी कर रहा है, गारंटी लेने के बाद वो पे भी कर रहा है, किसको, ए को। किसका अमाउंट पे कर रहा है वो, बी का अमाउंट पे कर रहा है, सपोज किसको, ए को। तो ए के पास जो भी अमाउंट गिरवी रखा होगा सामान बी का, वो अब किसका हो जाएगा, सी का। तो ऐसे सिचुएशन में अगर दो या दो से ज्यादा श्योरिटी, मतलब सॉरी, एक या एक से ज्यादा श्योरिटी है, तो सब उसको इक्वली यूज करेंगे। राइट टू शेयर बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ तक क्लियर है? बताओ। यस यस मैम। ठीक है, बाकी सब कहाँ है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ मैम एक रहा बार और समझाना। है? बेटा एक सेकेंड, कौन सा वाला पॉइंट बोलो, कौन सा पॉइंट मैम बता? थर्ड वाला। हाँ ये वाला, राइट टू शेयर बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी। देखो अगर ए से पैसे लिए बी ने, सपोज ए से किसने पैसे लिए हैं, बी ने, तो बी ने जब उसे कुछ पैसे लिए होंगे तो बी ने कुछ सिक्योरिटी रखी होगी, कुछ गिरवी रखा होगा, है ना। उसको ऐसे ही पैसे नहीं मिला होगा, कुछ प्रॉपर्टी का पेपर सपोज एग्जाम्पल, या कुछ ज्वेलरी या कुछ भी उसने उसको दिया होगा। तब सिचुएशन में क्या होता है, गारंटर अब कौन है सिचुएशन में, सी।
सी जो पे कर रहा है किसका अमाउंट, बी का, किसको, ए को। तो ऐसे सिचुएशन में ए के पास जो भी सामान गिरवी रखा होगा बी का, वो किसको मिल जाएगा, अब सी का, सी को मिल जाएगा क्योंकि सी ने पे किया है। तो अब सी किससे लेगा अपना अमाउंट, बी से लेगा, बाद में वो जब वसूल करता रहेगा। तो इसलिए अब बी का जितना भी सिक्योरिटी है वो किसके पास आ जाएगा, सी के पास आ जाएगा, क्योंकि पे किसने किया है, अब सी ने पे किया है। और अगर श्योरिटी मतलब दो या दो से ज़्यादा सिक्योरिटीज बनी है गारंटर, तो सब उसको इक्वली यूज़ करेंगे उस बेनिफिट को। मतलब तब सिर्फ ऐसी सिचुएशन में एक गारंटर पैसे नहीं रखेगा अपने पास, या जो भी गिरवी रखा है जितने हैं सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी वो सिक्योरिटी। क्लियर हुआ अभी? यस मैम। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन अभी। बेलमेंट एंड क्या होता है, बेलमेंट वर्ड सुने, बेल, बेलमेंट एंड प्लेज, बताओ किसी ने सुने है कभी ऐसे वर्ड्स? देखो बेलमेंट क्या होगा, अगर हम किसी के पास टेक्निकली सेंस में जाते हैं सपोज, तो बेलमेंट क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑफ अ पर्सन, है ना, डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स की बात हो रही है सामान की, याद रखना, डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑफ पर्सन, ठीक है, टू होम परमिशन इज गिवन टू हैव द गुड्स ऑफ अनदर। मैंने जो लाइन बोला उसको टेक्निकली समझो, एग्जाम्पल देखो, अगर मैं अपने क्लोथ्स अगर लॉन्ड्री में देती हूँ क्लीनिंग के लिए, तो मैंने जो उसको दिया क्लीनिंग के लिए, ठीक, वो उसको क्या करेगा, क्लीन करेगा और मुझे देन फिर वो रिटर्न करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ बेलमेंट। फिर से समझो, डिलीवरी ऑफ गुड्स, हम किसी को गुड्स डिलीवर कर रहे हैं और उसके पास परमिशन है कि वो दूसरे के गुड्स रखेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, बेलमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ पर्सन होम या इज गिवन परमिशन टू हैव द गुड्स ऑफ अनदर। तो जो सेकेंड पार्टी है उसके पास परमिशन है कि वो फर्स्ट पार्टी के गुड्स रखेगा, और इसमें जो मैंने एग्जाम्पल दिया इसमें उसको परमिशन कैसे मिल रही है, सपोज मैंने एग्जाम्पल दिया अभी लॉन्ड्री का, अगर मुझे ड्राई क्लीनिंग करवानी है तो अगर मैं जाती हूँ उसको देती हूँ, तो उसको परमिशन दी है मैंने, मैं खुद से दे रही हूँ। अब नेक्स्ट उसका काम क्या है कि वो उसको क्लीन करेगा, देन वो मुझे रिटर्न करेगा, और उसके बदले में मैं उसको एक प्राइस जो उसने फिक्स किया है वो पे करूँगी, तो कंसिड्रेशन भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो गया, और इस पूरे को बोलेंगे अपन बेलमेंट। वो क्लियर? बताओ। यस मैम। सबको थोड़ा सा टेक्निकली है, तो ये वाले कौन से कॉन्सेप्ट है मोस्टली बेलमेंट में, हम अगर कहीं पे कुछ सर्विस के लिए जाते हैं या हम उनको देते हैं और अब उनसे हम फिर कुछ लेके आते हैं सामान। नेक्स्ट है, इसमें कितनी पार्टीज होंगी, दो पार्टीज होंगी, बेलर और बेली, लिखो चलो इसमें। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ पर्सन टू होम परमिशन इज गिवन टू हैव द गुड्स ऑफ एनदर। ये हो गया, कितनी पार्टीज होंगी इसमें, दो पार्टीज होंगी, फर्स्ट पार्टी होगी इसमें बेलर, सेकेंड पार्टी होगी इसमें बेली, जो गुड्स देगा वो हो जाएगा बेलर, जो एक्सेप्ट करेगा वो हो जाएगा बेली। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो फीचर्स बताती हूँ मैं इसके, फीचर्स,
फीचर्स ऑफ बेलमेंट, कौन पहला फीचर? जब भी अगर आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो और आपको समझ में नहीं आए तो फीचर्स को बताना, एटलीस्ट चार तो आप ऐसे लिख सकते हैं। पहला लिखना एग्रीमेंट, तो आप बता सकते हैं इस पॉइंट में कि कितने एग्रीमेंट बनेंगे। अगर तीन पार्टीज होते हैं तो तीन एग्रीमेंट, तो अभी कितने पार्टीज हैं? दो, तो एग्रीमेंट भी कितना होगा? एक ही होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्संस, दैट इज बेलर एंड बेली, ये लिख सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा इसमें, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मैंने ये हर क्लास में बताया है, एक्सप्रेस या फिर ओरल में है या फिर रिटन में है, तो ये हमेशा किस में होगा? या तो एक्सप्रेस में होगा या फिर किस में होगा? ये जैसे इसमें लिखा एग्रीमेंट में टू पार्टीज लिखा है ना, फिर एक्सप्रेस है या कि इम्प्लाइड है, फिर नेक्स्ट देखो इसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रही है, क्योंकि मीनिंग में क्लियर कट मेंशन है कि गुड्स क्या होंगे, बाद में डिलीवर होंगे, पहले भी गुड्स डिलीवर हो रहे हैं बाद में भी, तो ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर है कि गुड्स शुड बी डिलीवर्ड टू द बेली, और वो कौन करेगा? बेलर करेगा। इससे क्या होता है, बेलमेंट में अब क्या हुआ? चेंज ऑफ पोजिशन, इसका मतलब होता है बेलमेंट इन्वॉल्व्स बेलमेंट इन्वॉल्व चेंज ऑफ पोजिशन। पोजिशन क्या होता है? राइट, अधिकार। तो उस समय गुड्स जिसके पास आ गया तो अब उसको पोजिशन मिल गई उस गुड्स की, मतलब उस गुड्स को यूज करने की अथॉरिटी अब किसको मिल गई? बेली को। तो जैसे ही बेलर अपने गुड्स बेली को डिलीवर करके आता है तो तुरंत उस समय क्या हो जाता है, जो चेंज ऑफ पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो कस्टडी होती है गुड्स की वो उसके पास आ जाती है। नेक्स्ट देखो इसमें एक और एग्जाम्पल हम दे एग्जाम्पल बोले पॉइंट मूवेबल प्रॉपर्टी। हमेशा याद रखना बेलमेंट किन चीजों से होगा, जो चीज मूवेबल हो, ऐसी कोई चीज इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी जो इमूवेबल हो, तो मूवेबल चीजों को ही हम बेलमेंट में लिख करके आएंगे, तभी तो बोला था डिलीवरी ऑफ गुड्स। नेक्स्ट रहेगा एक डेफिनेट पर्पज। डेफिनेट पर्पज मतलब कितने टाइम के लिए आप उसको यूज करना चाहते हैं और कितने समय के लिए और किस काम के लिए आप वो गुड्स ले रहे हैं। जैसे बेलमेंट में क्या था, फर्स्ट एग्जांपल हम डिलीवरी की बात कर रहे थे, किसकी? लॉन्ड्री वगैरह की। नेक्स्ट आप ये सोच सकते हो कि आपके फ्रेंड ने आपसे कार मांगी है दो दिन के लिए यूज करने के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो गया? बेलमेंट, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड को क्या दिया? कार दिया, मतलब गुड्स डिलीवर हुआ, इधर से उधर गया, उसने यूज किया, कितने दिन के लिए? दो दिन के लिए, तो डेफिनेट पर्पस था। नेक्स्ट देखो रिटर्न और डिस्पोजल। मैंने बताया ना रिटर्न होगा, गुड्स वापस रिटर्न होगा। किसी का माई कौन है, किसी को कुछ डाउट है क्या? मैम तो इसमें कंसीडरेशन तो नहीं आएगा? नहीं आएगा इसमें कंसीडरेशन नहीं आएगा, कुछ कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे अपन इसमें कौन से पॉइंट में जब कंसीडरेशन नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखो, इसलिए इन कॉन्ट्रैक्ट्स का नाम रखा है स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे देखो, अपन जैसे कुछ कुछ कंडीशंस एक्सप्लेन करती हूँ ना, जिसमें मैं एक्सेप्शन लिखती हूँ कि नहीं, वर्ड एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन क्या हो जाता है? उसका अपोजिट हो जाना, तो इसमें भी वो हम एक्सेप्शन में डालेंगे। क्लियर है? यस मैम। देखो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए इसमें, सारे फीचर्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसमें क्या होने चाहिए एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखो इसमें ओनरशिप नॉट ट्रांसफर, इसमें ओनरशिप नहीं जाएगी, पोजीशन जा रहा है, उसको राइट टू यूज मिल रहा है, बट ओनरशिप नहीं देंगे। आप अगर अपने फ्रेंड को अपना कार यूज करने के लिए दे रहे हैं तो क्या आप कार ही उसके नाम कर देंगे क्या? नहीं ना, आपने जब उसको यूज करने के लिए दिया तो मतलब पोजीशन उसने रखा है अपने पास, है ना, तो
आया समझ में फीचर्स ऑफ बेलमेंट? कोई डाउट है यहाँ तक? आगे इसमें देखो, एग्जाम्पल्स देखो, इसमें ना कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। एक मैंने कौन सा दिया पहला आप लोगों को भी, लॉन्ड्री क्लीनिंग वाला। फिर क्या दिया मैंने एक एग्जाम्पल आपको अभी, आपके फ्रेंड को यूज करना था या वॉट एवर जो भी। या फिर एक एग्जाम्पल डाल सकते हो, परचेज ऑफ एनी आर्टिकल, परचेज ऑफ एनी आर्टिकल। हम हायर परचेज पे चीजें लेते हैं ना, डाउन पेमेंट करते हैं और उसके बाद बाकी अमाउंट हम हर साल एक अमाउंट दे देते हैं। या अगर हम बैंक वगैरह से फिनांस करवाते हैं चीज़ों को, तो हम क्या करते हैं उसमें अमाउंट एक हर मंथ उतना उसको देते जाते हैं। तो ये भी किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हुआ? बेलमेंट का, क्योंकि ओनरशिप नहीं मिलती है। जब भी अपन कुछ गुड्स लेते हैं और अगर हम उसको फाइनेंस करवाते हैं तो हमको ओनरशिप नहीं मिलती। हमको उसकी ओनरशिप और उसके पेपर्स कब मिल के रेडी मिलते हैं बन के? जब हम उसका पूरा का पूरा अमाउंट पे कर देते हैं, तब लास्ट में जो फिनेंस कंपनीज होती है हमको वो ओनरशिप के पेपर्स देती हैं, एनओसी। क्लियर है? दूसरा, अगर हम होटल वगैरह में जाते हैं तो हम जो वो रूम यूज़ करते हैं या फर्नीचर, तो हम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ करते हैं ना। हम जाते हैं, हम दो दिन के लिए रूम बुक करते हैं, हमने रूम यूज़ किया, फिर अब सब उनको वापस। तो ये भी जो गेस्ट रूम्स वगैरह था, ये भी किस टाइप का एग्जाम्पल हुआ? बेलमेंट का, क्योंकि हमको पोजीशन तो है पर हमको वहाँ पे अथॉरिटी नहीं मिलती है। दूसरा एक एग्जाम्पल इसमें नोट कर सकते हो आप लोग, स्पीड पोस्ट वाला। जब हम स्पीड पोस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तब क्या हो जाता है? हम अपने गुड्स देते हैं उनको, अब और उनका अब जॉब क्या रहता है? उस गुड्स को सही जगह पे पहुंचाना। क्लियर हुए एग्जाम्पल्स आपको बेलमेंट में? बताओ। यस मैम। और किसी को डाउट है तो पूछो, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। मैम। हाँ मैम, हैप्पीनेट पर्पस एक बार और समझा दो। डेफिनेट पर्पस एक Yes, मैंने बोला ना अभी आपको, एक एग्जांपल दिया। देखो, अगर डेफिनेट पर्पस में टाइम भी आएगा और जैसे स्पीड पोस्ट करना है, तो स्पीड पोस्ट में उसका पर्पस क्या है कि वो गुड्स डिलीवर होना चाहिए, है ना, पोस्ट होना चाहिए। हम ऐसे ही कोरियर कंपनी को पोस्ट ऑफिस को गुड्स दे देते हैं क्या? नहीं, हमारा पर्पस क्या है कि गुड्स डिलीवर होना चाहिए। सपोज अगर हम कोई होटल बुक करते हैं तो हमारा पर्पस क्या है? डेफिनेट है कि हमको दो दिन तक ही वो रूम यूज करना है। तो वो डेफिनेट था, एक सर्टेन, मतलब पता है कि कितने दिन तक, है ना, हमको टाइम और हम किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं वो हमको पता है। जैसे मैंने गाड़ी वाला एक एग्जांपल दिया था, तो अगर वो फ्रेंड उसका ले रहा है तो किस लिए ले रहा है? दो दिन के लिए। तो एक डेफिनेट पर्पस, क्योंकि वॉट एवर द रीजन उनके जो भी होंगे, तो एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही उनको यूज करना है, इसलिए वर्ड यूज किया है डेफिनेट पर्पस। क्लियर है? जैसे अपन टेलर को कपड़े देख के आते हैं, क्यों? सिलने के लिए ना, तो वो सिलता है, उसके अलावा वो कुछ और करेगा क्या उस कपड़ों का? नहीं। तो वो पर्पस क्या था? डेफिनेट था, मतलब जो बोला है वही करना है। अगर हम घर पे फर्नीचर का काम करवा रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं? फर्नीचर बनाएगा, वो क्या बनाएगा? फर्नीचर, कुछ और तो नहीं करेगा उससे। तो डेफिनेट पर्पस है कि वो उससे क्या कर रहे हैं? फर्नीचर ही बनाएगा। क्लियर हुआ अभी? यस मैम। ओके, अब बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इसमें एक टॉपिक एक्स्ट्रा करते हैं अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट, है ना, काइंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट। पहला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड।
ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड में टू टाइप्स के हैं, एक है ग्रेजुटियस ग्रेजुटियस बेलमेंट, क्या होगा ये बताओ, ऐसा बेलमेंट जिसमें ना ही बेलर और ना ही बेली, ठीक है, नाइदर द बेलर नॉर द बेली इज एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन, दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे बेलमेंट्स फ्रेंड्स के लिए होते हैं, या अगर हम किसी से बुक्स बोरो कर रहे हैं, या अगर हम नेबरहुड से कुछ भी चीज मांग रहे हैं, तो ऐसे बेलमेंट जिसमें नाइदर द बेलर नाइदर द बेली दोनों में से किसी को भी कुछ कंसिडरेशन नहीं मिलता, तो इसमें सफिशिएंट कंसिडरेशन क्या होता है कि भाई गुड्स तू टाइम पे वापस कर दे, लेके तो जा रहा है बट तू दे देना टाइम से, तो ये कंसिडरेशन होता है। किसी का डाउट था ना ये कि मैडम फिर उसमें कंसिडरेशन नहीं होगा, तो ये वही वाला पॉइंट है ग्रेजुएस बेलमेंट, क्लियर हुआ? उसमें कंसिडरेशन बस यही मानेंगे कि भाई तू टाइम से ही देके चले जाना हमको। नॉन ग्रेजुएस बेलमेंट में क्या हो जाएगा देखो, इसमें किसी एक को कंसिडरेशन मिलता है, नॉन ग्रेजुएस इज आइदर द बेलमेंट और बेली गेट्स द या गेट सम रेम्यूनरेशन, तो जिसमें बेलमेंट मिलेगा सॉरी जिसमें कंसिडरेशन मिलेगा वो किसमें आ जाएगा, नॉन ग्रेजुएस में, क्लियर हुआ? दोनों में से किसी एक को भी। अब नेक्स्ट देखो, इसमें सेकेंड क्लासिफिकेशन, पहले क्या था ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट देखो ऐसा बेलमेंट जिसमें बेनिफिट किसी एक को हो रहा है, तो पहला वाले में क्या होगा बेनिफिट बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर। अगर हम सपोज कोई भी आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है और आपके घर में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो आप घर पे छोड़ना नहीं चाहते, तो आप क्या करेंगे, अपने किसी फ्रेंड या नेबर को वो चीज संभालने के लिए देंगे और उससे कहेंगे कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुमसे ये चीज दूंगा, क्योंकि तो बेनिफिट के बेस पे हुआ। किसका बेनिफिट हुआ इसमें, सिर्फ बेलर का, क्योंकि यहाँ पे एक ही पर्सन इफेक्ट हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट से, वो है बेलर जो अपना गुड्स दे के जा रहा है किसी एक नेबर को। सेकेंड होगा बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव ऑफ द बेली। अगर इसका एक एग्जाम्पल सेम, अगर हम अपने फ्रेंड हम कुछ मांग रहे हैं, हम अपने फ्रेंड से यूज करने के लिए वो हमको दे रहा है, तो किसका उसमें बेनिफिट है जो ले रहा है, कौन है वो, बेली। पहले वाले एग्जाम्पल में हम रख के जा रहे थे खुद अपनी चीजों को, इस वाले एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रेंड को दे रहे हैं। एक होता है म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द बेलर एंड बेली, देखो म्यूचुअल बेनिफिट जैसे लॉन्ड्री वाला था, दोनों को, एक को पैसे मिलेंगे तो एक को क्लीनिंग होके मिलेगा, टेलरिंग में एक को कपड़े सिल के मिलेंगे तो उसको उसके बदले में पैसे मिलेंगे,
कारपेंट्री में सेम, तो इसमें दोनों का, तो ये हो गया म्यूचुअल बेनिफिट. तो जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसे दो पार्ट में रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड और ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट. क्लियर है यहाँ तक? इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब वही है पूरे विलमेंट का, बस ये कि उसको क्लासिफिकेशन में इसलिए डाल दिया कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना. यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मतलब बीआरएफ में ये है कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना. यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मतलब ये है, ऐसा नहीं है इसमें कि ये अलग टाइप टाइप के हैं, मीनिंग वही है बट हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इसलिए क्लासिफिकेशन दिया. क्लियर हुआ? यस मैम. यस मैम. आप देखो नेक्स्ट, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली. तो पहले हम ड्यूटीज करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है टू डिस्क्लोज नॉन मटेरियल फैक्ट्स. टू डिस्क्लोज नॉन मटेरियल फैक्ट्स. अगर कुछ भी आपका गुड्स में फॉल्ट है, कुछ भी आप सोच सकते हैं, अगर आप अपने फ्रेंड को यूज करने के लिए दे रहे हैं या फिर आप उसके पास रखवाने के लिए जा रहे हैं, किसी भी चीज के लिए, अगर आपके उस प्रोजेक्ट में कोई डिफॉल्ट है और आपको अपने फ्रेंड को वो बताना चाहिए तो आप उसको बताएंगे, ठीक है. अगर आप उसको नहीं बताते हैं तो ये पूरा इसमें गलत होगा. सपोज अगर किसी के पास एक डॉग है और अगर वो कहीं घूमने जा रहा है बाहर, तो अपने फ्रेंड को देके जा रहा है डॉग, अगर उसकी तबीयत खराब है या उसके पास कुछ ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें बेलर को बताना चाहिए बेली को, तो ऐसे जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वो उसको क्या करने चाहिए, डिस्क्लोज करने चाहिए. आ रहा है आपको समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम. क्या पता उसके पास कुछ, यस मैम, है ना. तो डिस्क्लोज नॉन मटेरियल फैक्ट. नेक्स्ट आ जाएगा इसमें टू रीपे नेसेसरी एक्सपेंसेस. अगर हम लास्ट वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करके चलें, अगर उसकी डॉग की तबीयत खराब है या वॉट एवर उसमें कुछ आ गया, तो अगर बेली ने उसको ठीक कराने के लिए कुछ एक्सपेंसेस किए, तो अब बेलर का ड्यूटी है, यहाँ पे बेलर अब ड्यूटी बाउंड है कि वो रिपे करेगा नेसेसरी एक्सपेंसेस को. आप वही क्लियर हुआ यहाँ तक? बताओ. यस मैम. नेक्स्ट देखो, टू इंडेमनिफाई बेली फॉर एक्सेस लॉस. देखो इंडेमनिफाई करेगा ना, जैसे अपन पहले पॉइंट किया, इंडेमनिफाई का मतलब क्या होता है, टू मेक गुड, है ना. किसको, लॉस को क्या करना है, सामने वाले को गुड करना है. अगर बेलर की वजह से बेली को कुछ लॉस हुआ है तो बेली का अब क्या राइट बन जाता है, राइट ऑफ इंडेमनिटी वाला क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा. आ रहा है समझ में?
मैम ये पॉइंट तो सेकंड में भी आ सकता था ना। नहीं आ सकता था, उसमें लिखा है रीपे नेसेसरी एक्सपेंसेस, बेलर करेगा। इसमें मैं बेली की बात कर रही हूँ, बेली को कौन सा मिल रहा है, अब इंडेमनिटी वाला राइट्स मिल रहा है, राइट टू इंडेमनिटी मिल रहा है। देखो उसमें लिखा है मैंने टू इंडेमनिफाई बेली, दो चीजें अलग होती हैं। अगर वो उसको पे नहीं करेगा तब बेली के पास राइट आ जाएगा, राइट ऑफ इंडेमनिटी का, टू मेक गुड द लॉस। जरूरी है क्या कि पैसों से ही पे हो सकता है? कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। मैंने क्लियर कट बताया है इंडेमनिटी वाले क्लॉज में, याद रखना जो लॉस हुआ है उसको कवर करना है, या फिर नेसेसरी एक्सपेंस। जरूरी नहीं कि लॉस हमेशा पेमेंट में ही हो, है ना? तो चीजें खराब होती हैं और उसको बना के देना भी एक अलग चीज है। तो राइट ऑफ इंडेमनिटी में अमाउंट भी आता है और चीजों को ठीक करना भी आता है, और उसमें ये जरूरी नहीं होता है कि हम उसको पे करें। और सेकेंड पॉइंट में सिर्फ पेमेंट की बात हो रही है। क्लियर हुआ? यस मैम। अब अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अब फाइनली, ठीक है?